गुड मॉर्निंग डियर, मैं रोहित धीमान, आप देख रहे हैं रोहित धीमान आरएसी चैनल। और फर्स्टली आज हम बात करने वाले हैं एचवीएसी को लेके। एचवीएसी क्या होता है और एचवीएसी की साइकिल क्या है, एचवीएसी का प्रोसेसिंग क्या है, कम्प्लीटली आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एचवीएसी सिस्टम होता क्या है। एचवीएसी फुल फॉर्म है हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। हीटिंग मतलब जब हमको सर्दियों में इसकी खासकर आवश्यकता होती है, जब हमको ह्यूमन कंफर्ट के लिए हीटिंग की आवश्यकता होती है, और वो हीटिंग हम कर सकते हैं बॉयलर के द्वारा, हीटर के द्वारा और हॉट वाटर के द्वारा। हम क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, और रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मेथड से हम हीट पंप के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, हीटिंग उत्पन्न कर सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं वेंटिलेशन की। वेंटिलेशन होता है जब किसी भी एरिया में एक ही एयर हो उसको रिमूव करके नई एयर को ऐड करना, वो होता है वेंटिलेशन करना। यानी कि उस रिमूव को वहां से, उस एयर को वहां से रिमूव कर देना, वो होता है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन हम कहाँ कहाँ करते हैं, किचन के अंदर करते हैं, टॉयलेट के अंदर करते हैं, और अपना जो बेसमेंट होता है बिल्डिंगों के अंदर उनके अंदर करते हैं। वो सब किसका टाइप है, वेंटिलेशन। और इसमें हम क्या क्या यूज करते हैं वेंटिलेशन करने के लिए, फैन यूज करते हैं। फैन के द्वारा हम क्या करते हैं, जैसे किचन के अंदर हमने एग्जॉस्ट फैन लगा दिया, उसके द्वारा हम क्या करते हैं उसको एयर को रिमूव करते हैं। डक्ट लगा ली, डक्ट सिस्टम के द्वारा एग्जॉस्ट एयर के द्वारा उसको रिमूव कर देते हैं। और आगे बात करते हैं एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग क्या होता है, ह्यूमन कंफर्ट बनाने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है वो होता है एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग की सहायता से हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। कौन से टेम्परेचर को, सराउंडिंग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रूम के टेम्परेचर को लो करते हैं। और आज हम बात करने वाले उसी को लेकर कि हमारा एचवीसी सिस्टम काम कैसे करता है, क्या क्या इसमें इक्विपमेंट चाहिए और कैसे इसमें साइकिल वर्क करती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा एचवीसी सिस्टम। फर्स्टली हम बात करना चाहेंगे रेफ्रिजरेशन साइकिल। रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर मैंने पार्ट शो किया, आज हम उनके बारे में बात करते हैं। फर्स्टली कंप्रेसर। कंप्रेसर काम क्या करता है, कंप्रेसर काम है लो प्रेशर, लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर को सक्शन लाइन की सहायता से उसको सक करके उसको हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट करना, और कन्वर्ट करने के बाद डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में उसको कन्वर्ट कर देना, और उसको डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से आगे भेज देना। ये काम होता है हमारा कंप्रेसर का। अब कंप्रेसर जब ये काम करता है, जब रेफ्रिजरेंट को हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट करता है, तो कुछ मात्रा ऑयल की भी साथ में क्या हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है, और वो ऑयल आगे लाइनों में ना जाए इस कारण से हम यूज करते हैं ऑयल सेपरेटर। ऑयल सेपरेटर क्या करता है, रेफ्रिजरेंट एंड ऑयल दोनों को छानने का काम करता है, दोनों को सेपरेट करने का काम करता है। हमारा वेपर वेपर रेफ्रिजरेंट हल्का होता है, इस कारण से वो आगे पास हो जाता है, लेकिन ऑयल के कण जो वेपर भी हो गए लेकिन वो फिर भी भारी होते हैं, जिस कारण से वो नीचे बैठ जाते हैं। नीचे बैठने के कारण ऑयल सेपरेटर में नीचे स्टोर हो जाते हैं, और उसको वाल्व खोल के द्वारा ऑयल सेपरेटर बॉटम के अंदर कंप्रेसर में ले लिया जाता है। अब ये हमारा काम हो गया ऑयल सेपरेटर का। ऑयल सेपरेटर के बाद हमारी गैस है कंडेंसर के अंदर। हमारा कंडेंसर होता है, कंडेंसर एक कूलिंग मीडियम है जिसके द्वारा हमारे जो रेफ्रिजरेंट है उसको ठंडे करने का काम किया जाता है, वेपर रेफ्रिजरेंट को लिक्विड रेफ्रिजरेंट में चेंज करने के लिए। हमारा कंडेंसर वैसे तीन प्रकार का होता है, एयर कूल्ड कंडेंसर, वाटर कूल्ड एंड एवेपोरेटिव कंडेंसर। एयर कूल्ड कंडेंसर की बात करें तो जो हवा के द्वारा ठंडा होता है, वाटर कूल्ड जो पानी के द्वारा ठंडा होता है, और एवेपोरेटिव कंडेंसर जो हवा और पानी दोनों के माध्यम से ठंडा होता है। तो जैसे कि अब इसके अंदर हमारा जो कंडेंसर है इसके अंदर हम यूज करते हैं कूलिंग टावर। कूलिंग टावर मतलब वाटर कूल कंडेंसर का टाइप है, क्योंकि इसके अंदर पानी हो रहा है। और फर्स्टली मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा वाटर कूल कंडेंसर है, जो हमारा कूलिंग टावर है, कूलिंग टावर में क्या होता है, हॉट वाटर को कोल्ड वाटर में कन्वर्ट किया जाता है। कैसे किया जाता है, नेचुरल एयर की सहायता से इसको ठंडा किया जाता है। और जो हमारा कंडेंसर होता है, कंडेंसर के अंदर मैं थोड़ा सा यहाँ दिखाना चाहूंगा, कंडेंसर के अंदर ऐसे लाइनें आती हैं किसकी, जो हमारा कोल्ड वाटर होगा वो हमेशा नीचे से इन होगा, हमेशा नीचे से इन होगा और ऊपर से आउट होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर हम ऊपर से एंट्री कराएंगे, ऊपर से एंट्री कराएंगे तो वो एकदम फ्लो करके निकल जाएगा, इस कारण से वो नीचे से एंट्री कराते हैं, और इसके अंदर बेफोल लगे होते हैं, ऐसे बेफोल लगे होते हैं ताकि पानी डायरेक्टली फ्लो ना करे, थोड़ा सा रुक के जाए, जिस कारण से हीट एक्सचेंजर तरीके से हो और हमारा जो वेपर रेफ्रिजरेंट है वो अच्छी तरह से लिक्विड में चेंज हो उसके। तो ये हमारा हो गया कंडेंसर का काम। और कंडेंसर का काम और कूलिंग टावर को जोड़ने के लिए इसके अंदर एक पंप यूज होता है जिसको बोलते हैं कंडेंसर पंप।
कंडेंसर पंप की सहायता से ही पानी का सर्कुलेशन होता है। आगे जब हमारा कंडेंसर में लिक्विड रेफ्रिजरेंट बन जाता है तो वो रेफ्रिजरेंट हमारा जाता है रिसीवर के अंदर। रिसीवर का काम क्या होता है? गैस को स्टोर करना, अपने अंदर गैस को स्टोर कर लेता और आवश्यकता अनुसार उसको आगे भेजने का काम करता है। अब रिसीवर ने जब रेफ्रिजरेंट को आगे भेजा तो उसके बाद लगे होते हैं फिल्टर। अब फिल्टर में क्या होता है? फिल्टर में मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करने के लिए क्या लगे होते हैं? फिल्टर लगे होते हैं, सिलिका जेल होता है उसके अंदर मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करने के लिए, और लगे होते हैं साथ में फिल्टर्स। फिल्टर्स का काम होता है जो रेफ्रिजरेंट के अंदर कचरा वगैरह है उसको रोकना या उसको छानने का काम कौन करता है? वो फिल्टर्स करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फिल्टर का काम ये हो गया। उसके बाद जो हमारा रेफ्रिजरेंट है, इस साइड हमारा हाई साइड चल रहा है और इस साइड लो साइड, तो हाई साइड से लो साइड में कन्वर्ट करने के लिए जिस वाल का प्रयोग किया जाता है वो हमारी एक्सपेंसर डिवाइस होती है। एक्सपेंसर डिवाइस का काम थोड़ा सा एक और है, गैस को एक्सपेंड करेगा। गैस को एक्सपेंड मतलब जैसे हम परफ्यूम लगाते हैं वो एकदम क्या करता है? स्प्रे करता है। सेम वर्क यहाँ पे एक्सपेंशन वाल्व करेगा, एक बार स्प्रे करेगा और उसके बाद वो रेफ्रिजरेंट को हाई साइड से लो साइड में कन्वर्ट कर देगा। अब जब ये चीज होगी तो हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो आएगा आगे एवपोरेटर में। अब फर्स्टली मैं आपको बता दूं, एवपोरेटर बोल लो, इस चीज को आप एवपोरेटर बोलो, चिलर बोलो, फ्रीजिंग कॉइल बोलो, कूलिंग कॉइल बोलो, ये सब इसके नाम है। और इसी तरह से हम इसको यहाँ पे HVAC सिस्टम में हम इसको चिलर के नाम से बुलाते हैं और फ्रिज के अंदर हम इसको एवपोरेटर के नाम से बुलाते हैं, हम AC के अंदर इसको एवपोरेटर के नाम से बुलाते हैं। तो मतलब इन सब के नाम एक ही हैं और वर्क एक ही है। एवपोरेटर एवपोरेटर बोल दो इसको, फ्रिजिंग कॉइल, कूलिंग कॉइल या चिलर। तो फर्स्टली होगा क्या, जब चिलर के अंदर हमारा रेफ्रिजरेंट आ रहा है ठंडा, लेकिन यहाँ पे इसको क्या करना है, हमारे HVAC सिस्टम के अंदर सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट पानी का यूज होता है। हमारा जो रेफ्रिजरेंट ठंडा आया है वो क्या करेगा? पानी को ठंडा करेगा। पानी को ठंडा करने के लिए यहाँ पे क्या होगा? हीट एक्सचेंजर होगा। मतलब कि हमारा ठंडा रेफ्रिजरेंट है और पानी हमारा गर्म है, तो जब पानी उष्मा चेंज करेगा किसके साथ? रेफ्रिजरेंट के साथ, तो रेफ्रिजरेंट हमारा बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा और जो हमारा हॉट वाटर है वो कोल्ड वाटर में होना चेंज हो जाएगा। और जब ये प्रोसेसिंग होगी तो हमारा जो कोल्ड वाटर है वो कहीं ना कहीं, हमारा कोल्ड वाटर अब जब हो गया है तो वो कोल्ड वाटर कहाँ जाएगा? वो कोल्ड वाटर जाएगा AHU के अंदर। और कौन लेके जाएगा? सेकेंडरी पंप और प्राइमरी पंप। AHU के अंदर पानी को लाना और वापसी लाना और ले जाने का काम दो पंप करते हैं, सेकेंडरी पंप और प्राइमरी पंप। फर्स्टली मैं आपको बता दूं, जो चिल्लर से AHU तक पानी को लेके जाएगा वो काम करेगा सेकेंडरी पंप, और जो AHU से वापसी चिलर तक पानी लाने का काम करेगा वो करेगा प्राइमरी पंप। तो ये हमारा सर्कुलेशन हो गया एक पानी का AHU तक, चिलर से लेके AHU तक। अब चिलर में हमारा रेफ्रिजरेंट बॉइल होने के बाद कहाँ आएगा? एक्यूमुलेटर के अंदर। अब एक्यूमुलेटर क्यों जरूरत पड़ी? एक्यूमुलेटर का यहाँ पे क्या काम है? एक्यूमुलेटर का काम ये होता है, जो हमारा रेफ्रिजरेंट पूरी तरह से बॉइलिंग नहीं हुआ, पूरी तरह से वेपर में कन्वर्ट नहीं हुआ, कुछ मात्रा में लिक्विड में रह गया, वो इस कारण से एक्यूमुलेटर लगाया जाता है ताकि इसके अंदर अनसेचुरेटेड वेपर भी इसके अंदर आ जाए और क्या होगा, जो लिक्विड है वो नीचे स्टोर हो जाए और जो वेपर है वो ऊपर रह सके। और ये जो लाइन लगी हुई है ये चीज यहाँ से क्या करता है, ये ओनली जो ऊपर वेपर है उसको ही सक करेगा कंप्रेसर, नीचे लिक्विड को सक नहीं करेगा। तो हमारा जो यानी कि कंप्रेसर की सेफ्टी के लिए कंप्रेसर में डायरेक्टली लिक्विड ना जाए इस कारण से हम एक्यूमुलेटर का यूज करते हैं और इस तरह से ये पूरी साइकिल चलती है। और थोड़ा सा और बताना चाहूंगा, ये हमारी साइकिल होगी कंप्लीटली। फर्स्टली अगर हमको चिलर चलाना है, चिलर चलाने के लिए आपको पता है कंप्रेसर चलाना होगा, लेकिन एक बात और बताऊं, कंप्रेसर चलाने से पहले अगर आपने कंडेंसर पंप, कंडेंसर वाली साइकिल और चिलर वाली साइकिल जो पानी की है, इन दोनों को चलाना बहुत जरूरी है। मतलब कि कंडेंसर पंप, सेकेंडरी पंप, प्राइमरी पंप चलाने के बाद ही आप कंप्रेसर ऑन करोगे, नहीं तो आपका सिस्टम ऑन नहीं होगा, वो ट्रिप कर जाएगा, क्योंकि इसके अंदर भी पानी का फ्लो होगा किसके द्वारा? कंडेंसर पंप के द्वारा, और हमारे चिलर के अंदर भी फ्लो होगा पानी का किसके द्वारा? सेकेंडरी पंप और प्राइमरी पंप के द्वारा। अगर इनके अंदर पानी का फ्लो नहीं होगा तो हमारा कंप्रेसर नहीं चलेगा, चिलर ट्रिप कर देगा किसके ऊपर? फ्लो स्विच के ऊपर, फ्लो स्विच ओपन हो जाएगा कि पानी की उतनी परसेंटेज, उतनी मात्रा उसको नहीं मिलेगी जिससे, जिसके कारण चिलर को ट्रिप कर देगा। तो चिलर को चलाने से पहले हमें कंडेंसर पंप, सेकेंडरी पंप
और प्राइमरी पंप को चलाना होता है और उसके बाद हम चलाएंगे कंप्रेसर। तो ये हमारा था एचवीएसी सिस्टम। और अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी में फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाए और प्लीज कमेंट में लिखें कुछ भी अगर आपका डाउट है, और मैं उसका जल्दी जल्दी आंसर देने का ट्राई करूंगा। और आप देख रहे हैं रोहित दीमान और रोहित दीमान आरिशी चैनल पे। सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लें, मैंने न्यू चैनल बनाया अभी, और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगली वीडियो आएगी हमारी एचयू को लेकर, जो हमारी प्रोसेसिंग है एचयू, तो एचयू से लेकर रूम तक की जो क्रिया है वो कैसे होगी उसके बारे में अगली वीडियो आपके सामने होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और नॉलेज के साथ। थैंक यू।